बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के करम और फजल के साथ शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं हम शुरू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं रिक्शे में बैठा हूँ और सामान भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है और मैं जा रहा हूँ न्याजी अड्डे पे। न्याजी अड्डे पे जाके उधर से टिकट्स परचेज करनी है, टिकट दे के तो फिर हमने सियालकोट को इंशाल्लाह निकलना है। तो अभी न्याजी अड्डे पे हम जा रहे हैं, पे आ गए हैं तो टिकट हमने परचेज कर लिया है। अभी 4 बजे की टिकट है तो 2:30 बजे से आके खड़े हैं। मेरे हालत हो रही है, हमारे साथ फुल टाइम है तो 4 बजे हमने गाड़ी में बैठना है। तो अभी मेरे ख्याल से 3 बजे हैं तो अल्लाह है रखे, अभी पता नहीं क्या बनता है। गाड़ी में बैठेंगे फिर ही पता लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गाड़ी में हम बैठ चुके हैं तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है, माशाल्लाह से फैसल ट्रैवल है और बहुत ही अच्छी लग रही है, देखने में भी अच्छी है, वो ट्रैवलिंग करने में भी देखते हैं अच्छी लगती है कि नहीं लगती। बकाया अच्छी खासियत है इनमें और बहुत मज़ा आने वाला है हमें ट्रैवलिंग करने का आज। तो टाइम भी 4 बज गए हैं तो अभी गाड़ी में बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो अभी निकल रहे हैं सियालकोट की रवानगी की तरफ, फिर इंशाल्लाह। इसमें LCD की भी जगह है, ऑप्शन है इसमें भी LCD की और बहुत ही सूटेबल है। अभी इसमें चेक करते हैं जी हम कैमरा, इसका कैमरा भी होता है लेकिन नज़र नहीं आ रहा, नहीं कैमरा नहीं है। लोकेशन, चलो खैर बहुत मज़े की गाड़ी है। हमारी अड्डे से निकल चुकी है इस टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर में ही हम पहुंच जाएंगे मोटरवे पे, तो इंशाल्लाह मोटरवे से ही जाएंगे। पिछला आपको पता है जैसा कि हम गए थे बाहर से GT रोड की तरफ से तो बहुत ज़्यादा, जब आए थे लाहौर में तब बहुत ज़्यादा तंग हुए थे। तो अभी निकल गए हैं इधर से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मोटरवे पे आ चुके हैं तो अभी जैसा कि देख सकते हैं स्मोक है, ये देखें बहुत ज़्यादा स्मोक है और अल्लाह खैर रखे यार, हम दुआ करिएगा हम भी जल्द से जल्द घर पे पहुँचे अपने, और बकाया देख ही सकते हैं आप जैसा कि ये देखें ना कि कितना स्मोक है साइडों पे। और बस ऐसे ही साफ साफ रहे तो अल्लाह खैर रखे हम जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे, बहुत जल्द पहुँच जाएंगे हम सियालकोट में इंशाल्लाह। देखें अभी तकरीबन रात होने वाली है तो हमारा रह गया है थोड़ा सा सफ़र। माशाल्लाह से 3 दिन में ही सफ़र ख़त्म होना शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए साइडों पे हरियाली बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब भी सीट लेता हूँ कोशिश मेरी यही होती है कि मुझे विंडो सीट मिले, क्योंकि मैं बाहर व्यू देख के बहुत ही खुश रहता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे ट्रैवलिंग करने का। डेस्क के एग्ज़िट पे हम उतरने लगे हैं, इधर से फिर हम जाएंगे सीधा सियालकोट, समलेयाल वाली साइड से नहीं उतरे, ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है रास्ता क्योंकि शहर के अंदर आ जाता है। तो बकाया अल्लाह आगे खैर रखे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सियालकोट के अंदर एंटर हो चुके हैं हम, अभी घर जाके आपको मिलते हैं इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं घर पे पहुंच चुका हूं तो अभी अपने सेटअप पे जाने लगा हूं मैं, तो अपने सेटअप को देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। काफ़ी दिनों से आया ही नहीं था
तो अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका हूँ। तो ये तो अभी पैक है यार, इनको तंग नहीं करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। इसमें पानी कैसे आ गया यार, इसमें पानी कैसे आ गया, ये तो हम खाली करके गए थे बिल्कुल, पता नहीं इसमें पानी कैसे आ गया। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये भी केज तैयार है, और इधर भी दाना फेंका है किसी ने, चिड़िया वगैरह के लिए दाना फेंका हुआ है। तो बकाया इनमें भी देखते हैं कि कोई चेंजिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो ठीक है। हमारी डक हैं दूसरी जगह पे, वो भी लाने वाली हैं, वो भी लेके आनी है हमने इंशाल्लाह। तो खैर वो भी लेके आएंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी, हम पूरे तकरीबन 6 बजे सियालकोट में एंटर हो चुके थे। जैसा आपको मैंने बताया भी था कि सियालकोट में हम एंटर हो चुके हैं, तो सियालकोट में तो एंटर हो चुके थे, लेकिन बकाया सियालकोट में भी हमें अपने घर में आते आते एंटर होते साथ ना सियालकोट में, अपने घर में आते आते हमें लगते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं जब सियालकोट में एंटर हो जाए। तो खैर हमें लगा है टाइम सियालकोट में एंटर होने का, अपने घर एंटर होने तक 1 घंटा लग गया यार, इतनी ट्रैफिक जाम थी, बहुत ज़्यादा मसला हुआ। खैर अभी देख सकते हैं यार, इधर भी सर्दी है, मैं समझता था कि लाहौर में सर्दी है ज़्यादा, लेकिन इधर उससे भी ज़्यादा सर्दी है। तो खैर अभी इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।